नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में युवाओं के बीच में लोकप्रिय अधिकारी शिवदीप लांडे एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। जब पटना में सिटी एसपी के रूप में कार्यरत थे तो वो युवाओं के बीच में काफी लोकप्रिय थे। बताया जा रहा है कि शिवदीप लांडे दिसंबर के पहले सप्ताह से एक बार फिर से प्रदेश में अपना योगदान देने लगेंगे। बताया तो ये भी जा रहा है कि बिहार पुलिस में ऐसे कई अधिकारी हैं जिनका चेहरा हर किसी को याद है। इन चेहरों में एक चेहरा शिवदीप लांडे का भी है। बिहार कैडर के आईपीएस शिवदीप लांडे, वर्तमान में वो अपने गृह राज्य महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पुलिस क्राइम ब्रांच में डीआईजी के पद पर पोस्टेड है। पटना में सिटी एसपी रहने के अलावा शिवदीप लांडे अररिया और रोहतास में भी पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं। पटना में सिटी एसपी रहने के दौरान शिवदीप लांडे ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली सामान बनाने वालों के खिलाफ, जाली नोट छापने वालों के खिलाफ, नकली दवा बेचने वालों के खिलाफ मुहिम चलाकर हड़कंप मचा दिया था। पीएमसीएच के पास अशोक राजपथ पर स्थित एक कपड़ा शोरूम के मालिक की जान लेने के बाद जब अपराधियों के भय से दुकानें बंद थी, तब उन्होंने उसे दबोचकर पीएमसीएच गेट पर जमकर धुना था। इसके बाद इलाके की सारी दुकानें खुल गई थी। रोहतास में तैनाती के दौरान बालू और पत्थर माफियाओं के खिलाफ शिवदीप लांडे ने विशेष मुहिम चलाकर सरकार के राजस्व की क्षति होने से बचाया था। यही नहीं, उन्होंने कई पत्थर माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है। वहीं अररिया में पोस्टिंग के दौरान एसपी शिवदीप लांडे के कई कामों को जिले के लोग याद करते हैं। वो यहां चर्चा में तब आए थे जब मुंगेर में ट्रेनी आईपीएस होने के दौरान पत्थर माफियाओं ने हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो इन माफियाओं पर भारी पड़े थे। मुंबई में क्राइम ब्रांच में डीआईजी के पद पर काम करते हुए भी शिवदीप लांडे ने कई उपलब्धियां हासिल की है। नारकोटिक्स विभाग की जिम्मेवारी को संभालते हुए लांडे ने नशे के सौदागरों को जमकर सबक सिखाया था। 5 साल बाद बिहार वापस लौट रहे आईपीएस शिवदीप लांडे को सरकार क्या जिम्मेदारी सौंपेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। लेकिन अगर शिवदीप लांडे एक बार फिर से बिहार की पुलिस विभाग का हिस्सा बनते हैं तो यकीनन अपराधी जो बेखौफ होकर घूम रहे हैं उनमें थोड़ा खौफ जरूर आएगा और अपराध का दर भी बिहार में कमने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद अब सबकी निगाहें शिवदीप लांडे की वापसी पर टिकी हुई है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।